अभी हम एक किया के स्टॉल पे देखे। यह है किया सेल्टोस, यह है किया कार्निवल, अभी अभी जो नई लॉन्च हुई है वही है। वो है वर्चुअल रियलिटी और वहाँ से आप गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है किया स्टोनिक, पता नहीं अभी लॉन्च होने वाली है या नहीं है। और ये है किया एक्सीड, ये है किया इलेक्ट्रिक कार, और इसका पीछे का लुक बिल्कुल अलग है। ये लुक देख के आपको लगेगा शायद आपको मारुति रेट्स की याद आएगी। देखिए यह है किया कार्निवल और उसका कॉन्सेप्ट मॉडल है, अंदर पर्दे भी है और शायद ऊपर स्टोरेज के लिए होगा। ये है मारुति सुजुकी का हॉल, ये प्लांट है लिथियम सेल बैटरी के लिए गुजरात में, उसका छोटा सा मॉडल है। ये है सुजुकी जिक्सर, सुजुकी जिक्सर SF और बर्गमैन। ये है सुजुकी सेलेरियो का नया मॉडल, देखे इसका वॉक अराउंड। इंटीरियर ज़्यादा चेंज नहीं है लेकिन कलर नया किया है, नए कलर के सीट कवर्स है और नया कलर का डैशबोर्ड है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यह है एस्प्रेसो, सुजुकी स्विफ्ट। इसमें ये बम्पर थोड़ा अलग दिख रहा है।
यह है विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल। जिसमें एलईडी हेडलैम्प और एलईडी फॉग लैम्प है और ड्यूअल बैरल हेडलैम्प है। सुजुकी की हाइब्रिड कार सुजुकी फ्यूचरो ई, जो फिलहाल लॉन्च होने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, अभी इसमें बहुत सारा वर्क करना बाकी है। दोस्तों ये है वो कार जो पिछले बहुत सालों से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये है सुजुकी जिम्नी, जो सुजुकी जिप्सी के रिप्लेसमेंट में आई है। सुजुकी जिप्सी को बंद कर दिया है कंपनी ने और अभी शायद ये लॉन्च होने वाली है। जी वेगन का छोटा बच्चा जैसा ये दिख रहा है। दोस्तों ये है इग्निस का फेसलिफ्ट मॉडल। इसकी ग्रिल में चेंज है, बम्पर भी थोड़ा चेंज किया है और हेडलाइट में जो DRL है वो बहुत अच्छी लग रही है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसमें। इंटीरियर में ज़्यादा चेंज नहीं है, डैशबोर्ड का कलर थोड़ा चेंज किया है। ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है पहले से। और पीछे क्रोम गार्निश की है, बम्पर में सेंसर है और स्किड प्लेट है। देखिए ये है सुजुकी एस क्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल। इसके हेडलैम्प थोड़े चेंजेस किए हैं, नीचे है स्किड प्लेट। और हम अभी देख रहे हैं
मारुति सुजुकी बलिनो का फेसलिफ्ट वर्जन। इसमें साइड स्कर्ट चेंज किए हैं। बम्पर में चेंज है, नीचे एक स्किड प्लेट दी है सिल्वर कलर की, जो बहुत गाड़ी को खूबसूरती दे रही है। पीछे क्रोम गार्निशिंग है और इसके एलॉयज बहुत खूबसूरत है, डायमंड कट एलॉयज है। गाड़ी का ब्लू कलर बहुत शानदार लग रहा है। रोड प्रेजेंस इतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे अच्छी लग रही है। देखिए बम्पर में भी थोड़े बहुत चेंजेस है।